उर्दू हर्फ बे लिखना सीखें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर मिस मुमताज। आज हम करेंगे बे की बात। बे, हमने सुनी थी ना आपने कहानी, बे ने एक सेब खाया था तो बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। अब हम बे से शुरू होने वाली चीज़ों को देखेंगे। बे, बे से बाल्टी, बे से बाल्टी, बाल्टी में पानी भरते हैं। बे से बकरी, मैं बकरी। बे से बल्ला, बे से बल्ला, क्रिकेट का बल्ला। बे से बंदर, बे से बंदर, बंदर क्या करता है, खू खू बंदर, खू खू। बे से बत्तख, बे से बत्तख, क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक बत्तख। बे से बिल्ली, म्याऊं म्याऊं। बे से बिल्ली, बे से बस्ता, बे से बस्ता, बस्ते में आप अपनी किताबें रखते हैं, अपनी कॉपियां रखते हैं और अपनी तमाम चीज़ें रखते हैं और फिर कहाँ लेके आते हैं, स्कूल लेके आते हैं, है ना। बे से बस्ता। बे से बैंगन, बे से बैंगन, बैंगन मामा पकाती हैं, आप लोग तो नहीं खाते होंगे, बट इट्स सो यम्मी, मज़े के होते हैं, आप सब ने खाने चाहिए। बे से बारिश, बे से बारिश, बे के नीचे एक नुक्ता, बे से बारिश, बे से बारिश। बे से बत्तख, बे से बत्तख, बे से बाल्टी, बे से बकरी, बे से बल्ला, बे से बंदर, बे से बैंगन, बे से बस्ता, बे से बिल्ली, बे से बत्तख, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता। बे कहता है ब, बे कहता है ब, बे की ये मुकम्मल शक्ल है, इसे हम बे कहते हैं और जब ये आधा हो जाता है तो ये बन जाता है ब। क्या बन जाता है, ब, ब, मेरे साथ बोले ब, बे कहता है ब, बे कहता है ब। बा बादल, बा बारिश, बा बिजली, बा बिल्ली, बा बंदर। बे कहता है ब, ब, ब। चलें बच्चों, हमने बे की कहानी भी सुन ली, बे के ख़ानदान की, फिर हमने बे के सारे ज़खीरे अल्फाज भी पढ़ लिए। अब हम करेंगे बे की लिखाई। बे की लिखाई भी बहुत आसान है। अलिफ की लिखाई याद है ना आपको, ऊपर से नीचे जाएं, नीचे जाएं, रुक जाएं, ऊपर से नीचे जाएं, नीचे जाएं, रुक जाएं। अब बे के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर से नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, रुक जाएं, फिर ऊपर जाएं और एक नुक्ता लगा दें। ऊपर से नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, फिर ऊपर जाएं, रुक जाएं और एक नुक्ता लगा दें। ऊपर से नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, रुक जाएं, ऊपर जाएं, रुक जाएं और नीचे एक नुक्ता लगा दें। एक नुक्ता क्यों लगाया, हाँ एक सेब खाया था ना बे ने, इसलिए। ऊपर से नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, ऊपर जाएं, रुक जाएं, नीचे एक नुक्ता लगा दें। ये बन गया बे।
सेमोलिनर ट्रे पे बहुत 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 दफ़ा मश करेंगे। हम फिंगर से भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, रुक जाएं, ऊपर जाएं, रुक जाएं, एक नुक्ता लगाएं। क्या बन गया? बे। ऊपर से नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, रुक जाएं, ऊपर जाएं, रुक जाएं, और एक नुक्ता लगा दें, और ये बन गया बे। अब हम बे की मश करेंगे पेंसिल और पेपर पर। चलें भाई बच्चों, लेके आ जाएं जल्दी से। चलें भाई, नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे, क्रेयॉन रखेंगे, नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, रुक जाएं, ऊपर जाएं, रुक जाएं, और एक नुक्ता बना दें। ऊपर से नीचे आएं, रुक जाएं, दाएं जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, रुक जाएं, अब ऊपर जाएं, रुक जाएं। इसकी आपने बहुत सारी मश करनी होगी वर्कशीट पे। वर्कशीट में अपलोड कर दूंगी और आप उस पर मश करेंगे और फिर मुझे कमेंट में बताएंगे कि अब आपको बे लिखना आसान लगा या मुश्किल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, पे के साथ। अल्लाह हाफिज़।